देश में संशोधित नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड सरकार के राजस्व में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उत्तराखंड के लिए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट किसी जादुई छड़ी की तरह साबित हुआ है, यानी पिछले वर्षों की तुलना में कोरोना काल साल 2020 में ट्रैफिक पुलिस ने चालान तो 40% कम काटे हैं, लेकिन विभाग के पास धन उगाही में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। साल 2018 में प्रदेश भर में कुल 16,14,000 चालान काटकर 23,74,00,000 श्रमण शुल्क वसूला गया। वहीं साल 2019 में 14,24,000 चालान काटे गए, जिसमें 29,63,00,000 का जुर्माना वसूला गया। वहीं अगर बात करें कोरोना काल 2020 की, तो इस साल पूरे राज्य में सिर्फ 5,75,000 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि वसूली 31,14,00,000 रुपए की हुई। ट्रैफिक चालान मामले में वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा का मानना है कि ट्रैफिक चालान वसूली सरकार का राजस्व बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है, जबकि कुल चालान वसूली से रोड सेफ्टी के लिए मिलने वाली 25% धनराशि सड़क सुरक्षा के लिए नाकाफी है। जो खामियां होती हैं, कहीं पैराफिट नहीं है, कहीं कुछ वो नहीं बने हैं, कहीं बैंड जो हैं गलत हैं, तो कहीं यू शेप बैंड होते हैं, तो उनको कैसे उनको विस्तार दे करके तो ऐसा बनाया जाए कि वो एक्सीडेंट प्रोन न हो, तो इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ हादसे हो रहे हैं, रोज़ सड़क पर रोज़ लोग मर रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? अब जो 25% है वो तो बहुत ही नाकाफी है। भागीरथ शर्मा का मानना है कि एमवी एक्ट संशोधन से ही राजस्व लगातार साल दर साल कई गुना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को अपनी माली हालत सुधारने के लिए सिर्फ चालान वसूली पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि इससे मिलने वाली धनराशि 25% से बढ़ाकर उसे सड़क सुरक्षा निधि में खर्च करना होगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमें लगता है कि कई बार ये बातें हुई भी हैं और दबी जुबान से पुलिस के लोग भी ये कहते हैं कि हमें तो टारगेट दिया गया है कि चालान काट के इतना जो है रेवेन्यू लाना है और इतना देना ही देना है। तो हमें ये लगता है कि सरकार अपनी माली हालत जो ख़राब है, सेहत आर्थिक सेहत जो ख़राब है, उसको देखते हुए जो ये जो है चालान और जो है सड़कों पर जहाँ तहाँ जो है खड़े होकर के लोगों को जो है रोकना और फिर चालान काटना, क्योंकि अब चालान की रकम भी बढ़ गई है तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है कि लोग भी कहने लगे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए चालान काटे जा रहे हैं। जानकारों की माने तो कुल मिलाकर सरकार ने ट्रैफिक चालान वसूली को राजस्व एकत्र करने का जरिया मात्र बना रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आम जनता के पैसे को रोड सेफ्टी के कामों में लगाना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से परमजीत सिंह लांबा की रिपोर्ट।